दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हो और साथ ही साथ आप यूपीआई का पेमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। जी दोस्तों, ज़बरदस्त अपडेट लेके आ रहा हूँ जो कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने जो है परसों के दिन अनाउंसमेंट किया है। क्या है खबर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हम सभी को पता है जितना भी यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन है, चाहे वो आप बात करें फ़ोनपे, चाहे गूगल पे, चाहे भीम, हम पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर किसी को पैसा भेजते हैं, तो वहाँ पर हमको एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि बैंक अकाउंट के द्वारा। मतलब बैंक अकाउंट को सबसे पहले आपको लिंक करना होता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट से जो है आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल सेवा को बढ़ावा देने के लिए शक्तिकांता दास जी ने परसों के दिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। और शक्तिकांता दास जी ने ये बोला है कि अभी से आप जो भी स्कैन करके पे करते हो या फिर क्यूआर कोड या फिर यूपीआई के थ्रू जो भी आप पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड से जो है डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। मतलब जैसे आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हो यूपीआई एप्लीकेशन में, वैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड को जो है ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप जो है डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वहाँ से जो है आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू। अब सवाल ये बनता है कि ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन में बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर सेवा है, वो है क्रेडिट कार्ड से बैलेंस निकाल के इस्तेमाल करना, जिसके लिए लोगों को जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है। चाहे पेटीएम की बात करो, चाहे अदर बहुत सारे एप्लीकेशन। इससे क्या होता है, इससे लोगों को जो है चार्जेस लगता है। तो इसको देखते हुए खुद ही जो है आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, भाई आपको अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा जो है जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है, चाहे गूगल पे बोलिए, फोन पे है या फिर भीम पे, एप्लीकेशन में ही जो है अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करके आप पेमेंट कर सकते हो। आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी से पैसा जो है इनडायरेक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये अपने अपने बहुत बड़ा खबर है। अब सवाल ये बनता है कि ये सुविधा किसको मिलेगा, कौन सा क्रेडिट कार्ड को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो टारगेट है, सबसे पहले जो रुपए क्रेडिट कार्ड यूज़र है उनको सबसे पहले सुविधा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, जो भी वीज़ा या फिर मास्टर या फिर अदर जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़र है, उन सारे को सारे जो है ये बेनिफिट या सुविधा जो है मिल जाएगा। सो आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, चाहे भीम हो, चाहे आप गूगल पे, चाहे फ़ोन पे, सारे के सारे एप्लीकेशन में ये सुविधा बहुत जल्द से जल्द जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है, क्या इसमें कोई अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया कि एक्स्ट्रा कोई पे करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से इस सेवा को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है या लॉन्च करने के लिए बोला जा रहा है, उससे लगता है कि इसमें कोई जो है एक्स्ट्रा चार्जेस या शुल्क जो है नहीं देना होगा। सो दोस्तों, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है कि ये जो सुविधा लाया है, क्या इससे बहुत लोगों को जो है बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप मुझे जरूर बता सकते हो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।